सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 4D का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132, फाइंड द नंबर। सर देखिए बेसिकली बोल क्या रहा है, मान लेते हैं, लेट सॉल्व करते हैं डायरेक्ट, है ना, सॉल्व ही करते हुए क्योंकि बच्चा वाला क्वेश्चन है सर। लेट द नंबर या फिर नेचुरल नंबर बी एक्स, ठीक है। अगर हम लोगों ने एक्स माना है अपने नेचुरल नंबर को, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन हमको बोल रहा है, यहीं पे हमको समझ में आ जाएगा कि सर ये जो आपने नेचुरल नंबर एक्स माना ना उसको रखिए, ठीक है, और उसमें इसी नेचुरल नंबर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी कि रूट अंडर एक्स, इन दोनों को जब एड करते हैं तो ये किसके इक्वल आ रहा है सर, 132 के इक्वल आ रहा है। बस यही है सर क्वेश्चन, और कुछ है ही नहीं सर क्वेश्चन में, बस इतना सही था, ठीक है, आप लोगों ने बना लिया, चलिए सर बाय बाय। नहीं सर, इसके बाद भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सर, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है क्योंकि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, वही चैप्टर चल रहा है, तो हमको वही फॉर्म करना पड़ेगा, है ना, मतलब पता है, वैसे भी पता ही रहता है आप लोगों को। अब देखिए, तो रूट एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको गायब करना पड़ेगा। इसको गायब करने के लिए मान लीजिए इसकी जगह हम कोई और वेरिएबल मान लेते हैं, इसको कोई और वेरिएबल मान लेते हैं, लेट रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, है ना, वाई मान सकते हैं आप, या फिर आप एक्स को ही कुछ और मान सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर को अगर वाई मान लेते हैं तो ये भी तो वाई, मतलब वाई स्क्वायर हो जाता है, मतलब देखिए कैसे सर कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक्स की रूट एक्स की जगह तो आप वाई रख रहे हैं, इसकी जगह तो आप वाई रख दिए चुपचाप, लेकिन एक्स की जगह क्या हो जाएगा सर, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, क्या रूट एक्स इज इक्वल टू वाई, दोनों साइड स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर किए हम लोगों ने, ठीक है, तो x इज इक्वल टू आप y का स्क्वायर रख सकते हैं। यही मैंने अभी बोला कि आप अगर x की जगह y स्क्वायर रख दें तो भी रूट अंडर x एलिमिनेट होता है, यानी कि आप यहाँ पे और डाल के लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू y स्क्वायर। दोनों याद रखिए, मतलब दोनों तरीका याद रखिए, आप ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी, बात एक ही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहस नहीं करते अब ज्यादा। अब हम लोगों ने रूट अंडर x की जगह पे y रखा है, तो रखते हैं, और x की जगह पे y स्क्वायर रखा है, यानी कि y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर x की जगह पे y इज इक्वल टू 32 इधर प्लस में, इधर आगे माइनस में, तो -32 इज इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन फॉर्म हो चुका है। और ये अगर आप नजर गड़ा के देखें, अच्छे से देखें, तो आपको दिखेगा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। तो सर सॉल्व कर देते हैं, क्या बहस कर रहे हैं, देखिए अब 132 सर, 132 का आप एलसीएम लीजिएगा तो आपको सॉल्व करके मिलेगा, क्या मिलेगा सर कि 12 × 11 क्या होता है हमारा, 132 होता है, ठीक है। और सर दोनों का माइनस करने पे भी वाई आता है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो अलग अलग साइंस का भी यूज करना है, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस क्या सर, 12y - 11y + 132 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे y है, यहाँ पे y है सर, y को कॉमन ले लीजिए ना सर, यहाँ पे क्या है, y प्लस 12 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा सर, यहाँ माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ 11 इंटू 12, दोनों जगह 11 है तो 11 भी कॉमन ले लीजिए, 11 को कॉमन लिए तो यहाँ y माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, y प्लस 12 क्या हो जाएगा सर, दोनों सेम है सर, कलेस करवा दीजिए, बाहर निकाल के मारिए दोनों को बाहर निकाले, यानी कि y प्लस 12 को हम लोगों ने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, y माइनस 11 हमारा अंदर बच गया, तो y-11 इज इक्वल टू 0। दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जब भी 0 के बराबर होता है तो हम लोगों को पता लग जाता है क्या सर, या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा, आइदर और वाला कंडीशन लगाते हैं, तो आइदर क्या सर, y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और y-11 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपको क्या पता लगा सर, ये प्लस में इधर आ गया माइनस में, तो y इज इक्वल टू -12 हो जाएगा सर, बहस मत कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस में इधर आ गया प्लस में, यानी कि y इज इक्वल टू 11 आपका आंसर आया। अब आप बोलिएगा सर दो दो आंसर्स आ गए, दोनों पुट करना है, नहीं सर दोनों कैसे हो जाएगा, यहां सर माइनस है, आप अगर रूट अंडर में यहां पे x की जगह पे आप -12 को रखिएगा, या फिर आप देखिए, या फिर यहां देखिए सिंपल सर, यहां नेचुरल नंबर की बात हो रही है, नेचुरल नंबर सर -12 नहीं है, ये भी आप बोल सकते हैं सिंपल, तो हमारा y का वैल्यू जो 11 आया वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू 11 आंसर है क्या, 11 आंसर है बिल्कुल नहीं है सर, क्यों, क्योंकि y जो हमारा है
वो क्या है सर, वो हमारा 11 आया, लेकिन रूट अंडर एक्स यानी कि रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू 11, क्योंकि y का वैल्यू हमारा रूट अंडर एक्स था, है ना। अब ये स्क्वायर इधर जाके रूट में बदलेगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 to 1, आपके वैल्यूज आ चुके हैं कि x का जो वैल्यू था, मतलब आपका जो नेचुरल नंबर था वो बेसिकली था 121 और उसका जो स्क्वायर रूट था वो था 11। होता ही है सर, पता ही आप लोगों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, चलिए बढ़ते हैं आगे।